हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 70 पर विचार करेंगे। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यन्वन् तन्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आपूर्यमाणं। आपूर्यमाणं का अर्थ है कि सब ओर से भरा हुआ और अचल है प्रतिष्ठम, और प्रतिष्ठा भी जिसकी अचल है, ऐसा जो है जलाशय जो कि सब ओर से भरा हुआ है, समुद्र सब ओर से भरा हुआ है और प्रतिष्ठा भी अचल है, यानी भरा हुआ है और प्रतिष्ठा अचल है। अचल का मतलब कि हमेशा भरा रहता है, उसकी प्रतिष्ठा यानी जितना भी उसका जो जल है तो उसकी जो मात्रा है वो भी जो है घटती नहीं है। अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, तो ऐसा समुद्र है उसमें आपा प्रविशन्ति यद्वत्, बहुत से जल उसमें प्रवेश करते हैं। तो समुद्र में जो है बहुत सी नदियों के जल प्रवेश करते हैं और समुद्र पहले से भरा हुआ है, समुद्र को कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी बहुत से नदियों के जल जो है प्रवेश करते हैं तो भी समुद्र में बाढ़ भी नहीं आती। तो दोनों बातें हैं, अगर समुद्र में ये नदियों के जल ना आए तो भी समुद्र का जो पानी है वो घटता नहीं है, और इतनी नदियों के जल उसमें आ रहे हैं समुद्र में तो भी पानी बढ़ता नहीं है। तो समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्, जिस प्रकार से ऐसे परिपूर्ण भरे हुए समुद्र में नदियों के जल प्रवेश करते हैं, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर जो भोग भोग उसको प्राप्त होते हैं और उसको भोगों की इच्छा नहीं है तो भी भोग मिलते हैं, तो भी उसके अंदर उत्तेजना भी नहीं होती। तो दोनों बातें हैं, भोगों की प्राप्ति ना हो तो भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है, और भोगों की प्राप्ति हो तो भी उसके अंदर कोई मतलब उत्तेजना नहीं होती है, उसके अंदर किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है, भोगों की प्राप्ति से भी कोई हलचल नहीं होती है। शशांति में आप न होती न काम कामी, तो वो व्यक्ति जो है शांति प्राप्त करता है, लेकिन उस व्यक्ति को शांति नहीं प्राप्त होती है जो काम कामी यानी भोगों की कामना करता है। तो जो व्यक्ति भोगों की कामना करता है, तो जो समुद्र है वो पानी की कामना नहीं करता, तो भी पानी उसको मिलता है तो उसे कुछ मतलब वो भी नहीं होता है, घमंड भी नहीं होता है, और उसका पानी बढ़ता भी नहीं है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है तो उसको इंद्रियों के जो भोग हैं अगर प्राप्त होते हैं तो उन्हें उससे उनकी आवश्यकता नहीं है, और प्राप्त हो जाते हैं भोग तो भी उससे कुछ इसमें द्वेष भी नहीं होता। तो यहाँ पर यह समझना है कि ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, लेकिन वो व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त करता है जो भोगों की कामना करता है, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया ये अधिक अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, ना तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएँ पूरी करते रहते हैं, अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है
और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंज भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। चूँकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का तो क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु और वे योगी जो सिद्धि के कामी हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है ना, कर्मी यानी मुक्ति कर्मी है भुक्ति कामी, और फिर मुमुक्षु है मुक्ति कामी, और योगी है सिद्धि कामी। हाँ, तो कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी जो सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। इस श्लोक में भगवान उस भक्त की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो इस भौतिक जगत में रहकर भी शांति अर्थात निर्भयता प्राप्त करता है। शांति शब्द का सामान्य रूप से अर्थ यही समझा जाता है कि कुछ समय के लिए दुख भूल जाना, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है। यहाँ पर जिस शांति की बात भगवान कर रहे हैं वो किसी भी भौतिक उपाय से नहीं प्राप्त हो सकती। ये वास्तव में श्री कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। भगवान 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, तत्प्रसादात पराम शांतिम प्राप्स्यसि, अर्थात जो परमेश्वर हमारे हृदय में स्थित है उसी की प्रसन्नता से परा शांति की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि हमें श्री कृष्ण भावना के अभ्यास द्वारा अथवा श्री कृष्ण भावना के विकास द्वारा हृदय स्थित श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। इस अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नचा भावयतः शांति ही, अर्थात भावना के बिना मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर भावना का अर्थ कृष्ण भावना ही है। श्री कृष्ण भावना का अर्थ क्या है, श्रील प्रभुपाद अत्यंत सरल शब्दों में समझाते हैं। श्री कृष्ण भावना का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की समझना। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस श्लोक का उद्धरण श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में सदैव किया करते थे, क्योंकि इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कृष्ण भावनामृत का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए इसी श्लोक के प्रकाश में हम ऊपर के श्लोक को समझने की चेष्टा करेंगे। इस श्लोक में चूँकि भगवान ने कृष्ण भावना के विषय में कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए बहुत से विद्वान इस श्लोक की व्याख्या अपने स्वतंत्र ढंग से करते हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति का लेश मात्र भी नहीं मिलता। प्रथम हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन की किस बात पर भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने 2:5 में कहा था कि गुरुजनों यानी भीष्म तथा द्रोण को मारकर हम उन्हीं के रुधिर से सने हुए भोगों को भोगेंगे। फिर 2:8 में अर्जुन कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का राज तथा यहाँ तक कि देवताओं का राज्य भी यदि मुझे मिल जाए तो अभी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इस बात के उत्तर में भगवान बतला रहे हैं कि भोगों के बीच में रहकर भी कोई व्यक्ति किस प्रकार शांति प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर एक बात को अच्छी प्रकार से समझना आवश्यक है। अर्जुन का कहना है कि भोगों को भोगने से हम कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और यहाँ पर भगवान भी अर्जुन से भोगों को भोगने की बात नहीं कर रहे हैं।
इस श्लोक में भगवान ने भोगों को भोगने की बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने भोगों को प्राप्त करने की बात कही है। जिस प्रकार नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं फिर भी समुद्र की प्रतिष्ठा अचल रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भावना भावित पुरुष भी भोगों को प्राप्त कर भी अभिमानी अथवा प्रतिष्ठित नहीं बनता, क्योंकि वह उन भोगों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, वो स्वयं भोगता नहीं बनता। यहाँ पर भगवान ने जो नदियों के जल तथा समुद्र की बात कही है, इससे यही समझना चाहिए कि जिस प्रकार नदियों के जल को समुद्र भोगता नहीं है, बल्कि उस जल को केवल अपने पास रख लेता है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति भी भोगों को यदि स्वतः प्राप्त होते हैं तो स्वीकार कर लेता है, स्वयं भोगने के लिए नहीं बल्कि कृष्ण की सेवा के लिए। जिस प्रकार नदियों के जल पाकर समुद्र की प्रतिष्ठा यानी जल का स्तर नहीं बढ़ता, अर्थात प्रतिष्ठा यानी जल का स्तर स्थिर रहता है, उसी प्रकार भोगों को पाकर कृष्ण भक्ति की भी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, बल्कि वो उन भोगों को भगवान की प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा देता है। जिस प्रकार बिना प्रयास किए समुद्र को नदियों के जल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार यदि कृष्ण भक्त को बिना किसी प्रयास के भोग या धन संपत्ति प्राप्त होते हैं तो वह उस धन संपत्ति को स्वीकार कर लेता है तथा उसकी सुरक्षा करता है। जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल को स्वीकार करता तथा सुरक्षित रखता है, तो जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल को अपने भोग के लिए नहीं स्वीकार करता, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति भी अपने भोग के लिए भोगों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि श्री कृष्ण के भोग के लिए स्वीकार करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण श्रील प्रभुपाद हैं। जिस प्रकार समुद्र को नदियों का सीमित जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रचार कार्य करते हुए श्रील प्रभुपाद को असीमित धनराशि प्राप्त हुई। जिस प्रकार असीमित जल राशि प्राप्त होने पर भी समुद्र की प्रतिष्ठा यानी जल स्तर नहीं बढ़ता, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने भी उस असीमित धनराशि के प्राप्त होने पर भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई। उनकी प्रतिष्ठा श्री कृष्ण के दास के रूप में पहले भी थी तथा उस समय भी वही स्थिति रही। उन्होंने अपने को श्री कृष्ण के दास से बढ़कर कभी भी नहीं समझा, बल्कि उस धनराशि का प्रयोग उन्होंने श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ाने में किया। किस प्रकार उस धनराशि के द्वारा श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के अनेक भव्य मंदिर बनाए तथा संस्था का नाम भी अपने नाम पर न रखकर श्री कृष्ण के नाम पर रखा, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। अब हम देखेंगे युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों की क्या स्थिति है। इसी प्रकार की भावना हमें अर्जुन में, युधिष्ठिर महाराज में तथा पांचों पांडवों में भी दिखाई देती है, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर थे। उन्हें भी जब बिना किसी प्रयास के तथा श्री कृष्ण की कृपा से असीमित ऐश्वर्य तथा इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ राजसूय नामक यज्ञ करना चाहते थे। राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। इस यज्ञ में पृथ्वी के समस्त राजाओं को यज्ञ में सेवक का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जो राजा मित्र होते हैं वे तो स्वतः उस यज्ञ में सेवा का कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते हैं, परंतु जो द्वेषी तथा शत्रु राजा हैं उन्हें पराजित करके यज्ञ में कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति राजसूय यज्ञ करता है उसकी इस जगत में प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर हो जाती है। तो फिर कोई ये भी सोच सकता है कि युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते थे? नहीं, वे इस यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। किस प्रकार? वे संपूर्ण विश्व में इस सत्य की स्थापना करना चाहते थे कि जो लोग श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता और ना ही कोई शत्रु उन्हें पराजित कर सकता है। जो कृष्ण भक्त हैं वे अचल प्रतिष्ठ होते हैं। जिस प्रकार समुद्र युधिष्ठिर महाराज की भावना
इतना भारी ऐश्वर्य पाकर भी बदली नहीं, वे अपने को श्री कृष्ण का दास ही मानती रही। तो इस श्लोक में भगवान शांति को प्राप्त करने का उपाय बतला रहे हैं। सामान्य रूप से इस श्लोक का अध्ययन करने से ये तो नहीं पता चलता कि उपाय क्या बतलाया गया है, परंतु हम देखते हैं कि भगवान ने यह कहा है कि भोगों को प्राप्त करने पर भी भक्त अचल प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात वो भोगों के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाता। तो स्पष्ट है कि उन भोगों के द्वारा वह भगवान की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने से वह जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसी बात को भगवान कहते हैं कि वह शांति प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद ने भी शांति का अर्थ भौतिक दुखों से मुक्ति माना है। 2.66 में भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम्, अर्थात जब तक हमें शांति नहीं प्राप्त होती तब तक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। सुख के सभी साधनों को प्राप्त करने पर भी यदि व्यक्ति अशांत अर्थात भयभीत है तो वो कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। इसके बाद भगवान कहते हैं न काम कामी, जो व्यक्ति कामनाओं को चाहता है वो भोगों को प्राप्त कर शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जो व्यक्ति भोगों को प्राप्त कर उन्हें भोगना चाहता है वो शांति नहीं प्राप्त करेगा बल्कि अशांति प्राप्त करेगा। अशांति प्राप्त करने का अर्थ है कि वो और भी अधिक भयभीत हो जाएगा। कहा गया है पुत्रातपि धनभाजाम भीति ही सर्वत्रेषा विहिता रीति ही, अर्थात जो लोग धन का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में तथा इंद्रिय तृप्ति में करते हैं उन्हें अपने पुत्र से भी भय उत्पन्न हो जाता है, फिर उन्हें अपने सेवकों मित्रों तथा संबंधियों से भय प्राप्त हो तो क्या कहना है। भगवान चैतन्य के पीछे हरिनाम संकीर्तन में असंख्य लोगों को पागल होते हुए देखकर मुसलमान बादशाह है हुसैन शाह ने कहा था ये व्यक्ति अवश्य ही भगवान है क्योंकि इसने बिना किसी वेतन के असंख्य लोगों को अपना दास बना लिया है। जबकि मैं सदैव डरता रहता हूँ कि यदि एक दिन भी मैं अपनी सेना को भोजन ना दूँ तो वह सेना मेरे विरुद्ध आक्रमण कर देगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो काम कामी हैं है? वे भोगों को प्राप्त करके भी अधिक से अधिक अशांत अर्थात भयभीत होते जाते हैं। श्रील प्रभुपाद काम कामी शब्द को 3 प्रकार से समझाते हैं। पहला भुक्ति कामी अर्थात कर्मी, दूसरा मुक्ति कामी अर्थात मुमुक्षु अथवा ज्ञानी, और तीसरा सिद्धि कामी अर्थात योगी। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में अतः ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। इसका निष्कर्ष संपूर्ण यही निकाल सकते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि समुद्र जैसे अचल प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और उसको पानी की कोई आवश्यकता नहीं है ना, और उसको फिर भी पानी मिलता है तो उसका पानी फिर भी बढ़ता नहीं, उसमें बाढ़ नहीं आती। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित भक्त है तो वो कृष्ण की सेवा में पूर्ण संतुष्ट है, उसे किसी प्रकार के भोग नहीं चाहिए है? लेकिन अगर उसको भोग मिलते हैं तो भी उसको इस बात से कोई प्रसन्नता नहीं होती है कि उसको भोग प्राप्त हुए हैं। वो प्रसन्न हो सकता है इस बात से कि वो इन भोगों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाएगा, लेकिन अपना उसके अंदर कोई घमंड नहीं होता है कि मुझे इतना भोग प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर यही अंतर है कि जैसे नदियाँ बरसात में सूख जाती हैं और क्षमा करने नदियाँ गर्मी में सूख जाती हैं और बरसात में जब पानी बरसता है तो उसमें बाढ़ आ जाती हैं और अनेक स्थानों को डुबा देती हैं नदियाँ, लेकिन समुद्र ऐसा नहीं है। तो जो सामान्य लोग हैं वो नदियों की तरह हैं, सामान्य लोग जो है नदियों की तरह हैं, भौतिकतावादी लोग नदियों की तरह हैं। जब उनको भोग नहीं प्राप्त होते हैं
हैं, तो वो जो है मुरझाए रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, बड़े अशांत रहते हैं। और जब उनको भोग प्राप्त होते हैं तो फिर वे जो है फूले नहीं समाते हैं, हैं, और कैसी चाल चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। जैसे नदियाँ, तो नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी चाल चलती हैं, हैं, बाढ़ आ जाती है, बहुत इंसानों को बहा देती हैं, हैं, और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं, हैं, तो जब उनको भोग नहीं प्राप्त होते हैं तो बड़े दुखी रहते हैं, हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण भक्ति का सुख नहीं प्राप्त हुआ। और जब भोग प्राप्त होते हैं तो फिर उनकी और जो है कामना और ज़्यादा बढ़ती है, और ज़्यादा बढ़ती है, हैं, और वो जो है जैसे नदी में बाढ़ आ जाए उसी प्रकार से जो है वो अपनी जो भावना है, हैं, वो दिखाते हैं, अपनी उत्तेजना और दिखाते हैं, उनके अंदर फिर बहुत घमंड आ जाता है, हैं, तो फिर उल्टी चाल चलने लगते हैं, टेढ़ी चाल चलने लगते हैं। तो यही जो है नदियों का, तो नदी में और समुद्र में यही अंतर है। जो समुद्र है, हैं, तो उसमें पूरा पानी भरा है। तो श्री कृष्ण की भक्ति से जो सुख प्राप्त होता है वो समुद्र की तरह सुख प्राप्त होता है। आनंदामुदि वर्धनम, आनंद का समुद्र भी जो है और बढ़ता जाता है। तो आनंद उसको इतना प्राप्त हो, हरि नाम में उसको आनंद प्राप्त होता है, हैं, उसको श्री कृष्ण के दर्शन में आनंद प्राप्त होता है, उसको श्री कृष्ण के गुणों को सुनने में आनंद प्राप्त होता है, श्री कृष्ण की लीलाएं भी हैं उसको हर समय दिखाई पड़ती हैं। इस भौतिक संसार में भी अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनमें वो श्री कृष्ण की लीलाएं का दर्शन करता है, अनुभव करता है, श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करता है। तो वो जो है एक प्रकार से आनंद का समुद्र बन जाता है, उससे वो स्वयं ही आनंद का समुद्र बन जाता है, आनंद से भरा हुआ जैसे समुद्र हो, उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है। अब उस समुद्र में जो नदियों के जल आते हैं तो वो जो है भौतिक संपत्ति या भौतिक भोग कोई भी वस्तु हो तो उसको अगर प्राप्त होते हैं, हैं, तो उसको जो है आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्राप्त होते हैं तो कृष्ण की सेवा में लगाता है और उसका जो है समुद्र का जैसे जल का स्तर नहीं बढ़ता, समुद्र में बाढ़ नहीं आती, हैं, समुद्र ज्यों का त्यों स्थिर बना रहता है। तो उसी प्रकार से उसकी जो स्थिति है वो एक समान रहती है, है ना। तो हमने प्रभुपाद की चर्चा की, हैं, तो प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने में बहुत सफलता मिली और बहुत लोग शिष्य बन गए, उनकी बहुत सी किताबें छपी, किताबों की बिक्री हुई, उनकी किताबों की प्रशंसा हुई, उनके मंदिरों में बहुत लोग भक्त बने, उनके बहुत शिष्य बने। लेकिन तभी प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं सोचा अपने विषय में कि उन्हें इस बात का जो है कोई विशेष गर्व हो रहा है। तो जैसे समुद्र को जो है, मतलब कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है कि इतना पानी उसके पास आ रहा है, क्योंकि पानी से पहले भरा हुआ है। तो श्री कृष्ण की कृपा से चूँकि श्रील प्रभुपाद पहले से ही संतुष्ट थे, तो जितनी भी सफलताएं उनको प्राप्त हुई प्रभुपाद को, तो उन्होंने उसमें अपना गुण नहीं माना, इसलिए उनको कोई घमंड नहीं आया और घमंड से वो फूले नहीं, हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद को कहता था कि आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया और आपने अकेले इतना जो है भारी है, जो हरे कृष्ण आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन पूरी दुनिया में फैला दिया, तो प्रभुपाद जरा भी प्रसन्न नहीं होते थे, जरा भी विस्मित नहीं होते थे, और वे बिना किसी विस्मय के उत्तर दिया करते थे कि मैं तो केवल आदेश का पालन करने वाला हूँ। उन्होंने यही कहा कि मैंने कुछ भी अपनी ओर से नहीं किया, मैं तो चैतन्य महाप्रभु का संदेश ही केवल दोहराया है, और जो कुछ भी कार्य हुआ है वो चैतन्य महाप्रभु के संदेश से कार्य हुआ है। तो प्रभुपाद क्या कहा करते थे कि जैसे कोई व्यक्ति सही दवाई देता है तो बहुत से मरीजों को
को स्वस्थ करता है, तो उस व्यक्ति का तो गुण केवल इतना ही है कि उसने सही दवाई दी है, उस दवाई में मिलावट नहीं की और लोगों का रोग दूर हो गया। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश यही असली दवाई है, और मैंने चैतन्य महाप्रभु संदेश में कुछ मिलावट नहीं की और मैंने लोगों को दिया तो लोग जो है प्रसन्न हुए और लोगों के दुख दूर हुए, लोगों को शांति प्राप्त हुई, तो इसमें मेरा क्या गुण है? मेरा तो केवल यही गुण है कि मैंने श्री चैतन्य के संदेश को बदला नहीं। तो प्रभुपाद में जो है इसी प्रकार की भावना थी कि उन्होंने कोई भी अपना गुण नहीं माना, अपनी प्रतिष्ठा नहीं मानी कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया, कभी नहीं किया, बिल्कुल अचल है प्रतिष्ठा। तो समुद्र की प्रतिष्ठा पहले से ही ऐसी है कि पूरा पानी जो है भरा हुआ है, समुद्र भरा हुआ है पानी है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जो है ऐसे थे, उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भी। तो हमने युधिष्ठिर महाराज की चर्चा की, तो युधिष्ठिर महाराज भी जब इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए तो यद्यपि कौरवों ने उनके साथ बहुत कपट किए और हत्या करने के प्रयास किए, श्री कृष्ण ने फिर भी उनकी रक्षा की और श्री कृष्ण की कृपा से उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य मिल गया। तो अभी कोई बाधा नहीं है, तो वे जो है संतुष्ट हैं, युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट हैं, उन्हें किसी के जो है किसी प्रकार के धन का लोभ नहीं है, किसी प्रकार से अपने राज्य को बढ़ाने का लोभ नहीं है। लेकिन तो भी उनको असीमित धन संपत्ति जो चूंकि प्राप्त हुई है तो वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं क्यों? राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं कि वे दिखाना चाहते हैं कि दुनिया भर के राजा लोग यहाँ पर आएँ और देखें कि श्री कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से उन्होंने मतलब ये राजसूय यज्ञ किया है, सब राजाओं को यज्ञ की सेवा में नियुक्त किया है। तो वे श्री कृष्ण का यश फैलाना चाहते थे, अपना यश नहीं फैलाना चाहते थे। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण के भक्त होते हैं तो कभी अगर ऐसा लगता है कि वो अपना यश फैलाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे श्री कृष्ण का यश फैलाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि श्री कृष्ण से वो जुड़े हुए हैं तो उनका यश फैलता है तो वो श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं तो वे यही सोचते हैं कि हर व्यक्ति जो है श्री कृष्ण को अपना स्वामी माने, हर व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगे, हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम ना बन करके अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाए। तो ये भावना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, जिस प्रकार समुद्र में नदियों के जल प्रवेश करते हैं उसी प्रकार से जिसके अंदर कामा, यहाँ पर काम का मतलब भोग है, उसी प्रकार उन उसके पास भोग प्राप्त होते हैं। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज के पास अनेक प्रकार के भोग प्राप्त हुए हैं, तो उनके राजसूय यज्ञ में कोई राजा है वो बहुत से घोड़े लेकर के आया, उसने उपहार दिए, बहुत से घोड़ों का उपहार दिया, किसी राजा ने बहुत से रथों का उपहार भेंट किया युधिष्ठिर महाराज को, किसी राजा ने बहुत से हाथी भेंट किए। तो इस प्रकार से ये सब भोग हैं, भोग की सामग्रियाँ है ना। तो तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार से जिसके अंदर सभी काम जो है प्रवेश करते हैं, सभी प्रकार के भोग प्रवेश करते हैं है? लेकिन वो भोगों को भोगता नहीं है, जैसे समुद्र पानी को जो है स्वयं नहीं पीता, समुद्र पानी, समुद्र में जितना भी पानी आता है, नदियों का पानी आता है तो उनको सुरक्षित रखता है। तो इसी प्रकार से जो श्री कृष्ण का भक्त है सभी प्रकार के भोग धन संपत्ति जो भी आती है तो उसको सुरक्षित रखता है। तो समुद्र पानी को सुरक्षित रखता है, जितना भी पानी आए और जितना भी पानी अधिक से अधिक आए तो वो स्वीकार करता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण का भक्त अधिक से अधिक धन संपत्ति को स्वीकार करता है और उसकी रक्षा करता है। क्यों रक्षा करता है? क्योंकि उसे श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है।
हाँ, तो इस तरह से उसको शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति भोगों का भोगों की कामना करता है हाँ, तो उसको शांति नहीं प्राप्त होती। क्यों शांति नहीं प्राप्त होती? क्योंकि श्री कृष्ण को भोक्ता ना मान करके अपने को भोक्ता मानता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।